देखो न्यू चैप्टर तुम लोग का एक्सपिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सपिरेटरी सिस्टम में मेनली हम लोग को देखना है कि जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना है। कुछ वेस्ट जो होते हैं वो फीकस के फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही निकल जाते हैं, ठीक है। और जो कुछ वेस्ट बचे हुए होते हैं तुम्हारे, वो हम लोग एक्सपिरेटरी सिस्टम के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो रिमूवल जो होता है अनवांटेड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस का फ्रॉम द बॉडी, इसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। जो बाहर के तुम्हारे अनवांटेड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं बॉडी से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को, ठीक है, जो ऑर्गन इस चीज को इसमें हेल्प करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वो सिस्टम जो अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके लिए रिस्पांसिबल होता है उसका ऑर्गन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता है, ये रिनल एक्सक्रीटरी सिस्टम से हो सकता है, मतलब तुम्हारी किडनी से, किडनी के हेल्प से, यूरेटर के हेल्प से, ये सब क्या होता है बताएंगे, यूरेट्रा के हेल्प से, और तुम्हारा पेट पार ले रहे यूरिनरी ब्लैडर के हेल्प से, ठीक है। बट देखो बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं हमारे बॉडी में, स्पेशल जो होता है एसेसरी ऑर्गन से भी होता है, जैसे कि जो तुम्हारा स्किन होता है, ठीक है, जब तुमको पसीना आता है ना, तो ये नोटिस करना कि पूरा स्पॉटी टेस्ट है, पसीना हो जाता है, मुंह में आता है, जब भी आता होगा ना नोटिस करना, और ये जब फेस पे आता है ये बहुत ठीक है, तो कुछ हद तक तुम्हारे पसीना से निकलता है, यानी स्किन से निकलेगा, स्किन से निकलता है तुम्हारी, ठीक है। और तो और तुम्हारे कहाँ से निकलता है? लंग से भी निकलता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट तुम्हारा कुछ अमाउंट में एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है तुम्हारे लंग से भी निकलता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट। और फिर तुम्हारा जैसे एनएसीएल वगैरह एक तरीके से वेस्ट ही होगा, ज्यादा अमाउंट में एनएसीएल है वो भी वेस्ट, कुछ ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है, डिटेल में बताएंगे, और कुछ ये तुम्हारा लीवर से निकलता है, ठीक हो? ठीक है, तो आगे हम लोग मेरी इसी सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखना ऑडियंस को देते हैं फॉर्म, ऑडियंस का ये क्रिएटर फॉर्म, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना अनवांटेड या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से निकालना है, सिर्फ पता से निकालेंगे स्पेशल फॉर्म से, बोलते हैं हम जाओ किडनी तुम्हारा क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, सुनो, किडनी क्या करता है? तुम्हारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, फिल्टर ब्लड को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तब हम क्या करेंगे? किडनी के पास क्या है? तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन पूरा करता है। तुम्हें बोल दिया कि मतलब नेचुरल स्ट्रक्चर है इस वक्त की, मतलब जब सब कुछ नेचुरल कोई कुछ बोल रहा हूँ तो मान के बोल रहे जब भी ऐसे होता है। अरे जानता है तो नाम देख के होगा तो ये देख क्या बोल रहा है, मुझे इतना सोच नहीं है। एक दो के लिए हम किसी का सामने देखो, ठीक है,
कस्टम डाल। अब देखो आगे देखो यूरिनरी ब्लैडर में लिखो एक सेकंड के लिए ऊपर को आना छोटा का है हमारे खाना जी ऑनलाइन देखना देखना कर लिया या ना एंड मिस कर दिया आगे तब करन को ले बोले तब कर लिया आगे देंगे छुट्टी छुट्टी है ब्रेक है हां ब्रेक अपना नाम पे दिन लिखा है साथ से बैठो तुम इसको इसी में बना तो अच्छा तो करके नहीं पड़ता है आपके फॉर्म्स की बात क्या है किडनी तुम्हारा क्या करता है फिल्टर करता है ब्लड को ठीक है यूरिन ठीक है यूरिन क्या होता है यूरिन जो किडनी में बॉडी से निकलता है ठीक है यूरिन का तुम्हारा क्या करता है यूरिन को कैरी करता है किडनी से कहां यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में जाके सुस्ता है इधर यूरिन स्टोर करता है ठीक है फिर नेचुरल अर्थ होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये रिमूव हो जाता है बॉडी ठीक है बाकी अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ओके यूरेथ्रा थैंक यू मिस थैंक यू